नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसपीएस का वर्चन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अदर डिवाइस पे अगर आपका कोई ईमेल अकाउंट लॉगिन है तो आप उसे रिमूव कैसे करेंगे, ठीक है। या फिर आपने अपना कोई मोबाइल किसी को शेयर कर दिया और वहां पे आप अपना अकाउंट वहां से हटाना भूल गए और आप चाहते हैं अपने डिवाइस से उस वाले डिवाइस का अकाउंट को हटाना, तो वो आप कैसे करेंगे, ये चीज़ मैं आपको स्टेप बाई स्टेप करके बताऊँगा, ठीक है। इसके लिए सिंपली आपको अपना जीमेल पर लॉगिन कर लेना है। पहले जीमेल पे लॉगिन करने के बाद आपको ओपन करना है गूगल क्रोम, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैंने अपना यहाँ पे जीमेल पर लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। ये मेरा जीमेल पर लॉगिन है जो मेरा ओपन हो गया, ठीक है। ये मेरा जीमेल पर लॉगिन है, मैं इसे क्लोज करता हूँ। लेकिन आपको जीमेल पे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली ओपन करना है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम आप ओपन कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है google.com। google.com आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में लिखना है गूगल माई अकाउंट, ठीक है। ये गूगल माई अकाउंट मैंने लिखा, उसके बाद सर्च किया। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे आपको सिक्योर अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। ये सिक्योर अकाउंट आपको दिख रहा है, इस पर आपको सिंपली टैप कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखेगा योर डिवाइसेस। योर डिवाइसेस मतलब ये हुआ कि आपका जो ईमेल आईडी है, जो कि आपने अभी जीमेल पे लॉगिन किया है, वो ईमेल आईडी कितने डिवाइस पे यूज हो रहा है, वो चीज़ आपको शो हो जाएगा, ठीक है। योर डिवाइस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे लैपटॉप का साइन आ गया, ठीक है। क्योंकि मेरा ये जो ईमेल आईडी है लैपटॉप पे अभी यूज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिमूव पे क्लिक कर देता हूँ तो ये लैपटॉप पर से ये आईडी हट जाएगा और वहाँ पे साइन आउट दिखाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करता हूँ। रिमूव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए सक्सेसफुली साइन आउट, ठीक है। यहाँ पर जो डिवाइसेस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, अगर आपने किसी को अपना मोबाइल सेल किया है तो आपका वो डिवाइस यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके नीचे आपको रिमूव का ऑप्शन आएगा, आप रिमूव पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ईमेल आईडी है उस डिवाइस से बिल्कुल वहाँ से साइन आउट हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं यही सेम चीज़ मैं आपको लैपटॉप पे भी करके दिखाता हूँ। लैपटॉप पे करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जीमेल पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जीमेल पे लॉगिन करने के बाद ही आपका ये हो पाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इस आईडी से लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पे नया टैब ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ google.com, ठीक है। टाइप के इंटर मारा, ये गूगल सर्च यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे मुझे लिखना है गूगल माई अकाउंट, ठीक है। माई अकाउंट मैंने लिखा, इंटर मारा। यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है गूगल अकाउंट पे। इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज अपीयर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने मोबाइल पे क्लिक किया था सिक्योर अकाउंट पे, यहाँ पर भी आपको देखना है सिक्योर अकाउंट कहाँ पे है, ठीक है। सिक्योरिटी इशूज फंड पे के नीचे यहाँ पे है सिक्योर अकाउंट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला ऊपर में ऑप्शन दिख रहा है योर डिवाइसेस। योर डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका ईमेल आईडी जितने डिवाइस में लॉगिन है वो आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपको जिसे जिसे हटाना है वहाँ पे आप रिमूव पे क्लिक करेंगे तो आपका उस डिवाइस से वो आईडी हट जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।